हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो आज की मेरी वीडियो है वो टीनेजर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी। वो इसलिए क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो पेरेंट्स हैं उनको पता तो होता है लेकिन अपने बच्चों को कभी वो चीज़ वो समझाते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। अब मैं इस बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूँगी, मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैंने एक उस पर कॉमेंट लगाया हुआ है। तो एक्चुअली जैसे आपको पता है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने भी यूट्यूब को ज्वाइन किया है। तो जब आप यूट्यूब ज्वाइन करते हैं तो कुछ आपके भी फेवरेट यूट्यूबर्स हो जाते हैं जिनको आप देखना पसंद करते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है, कुछ हैं ऐसे यूट्यूबर्स जिनको मैं देखती हूँ, रेगुलर वॉच करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने एक फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी तो जो मुझे जैसा लगता है मैं कमेंट भी ज़रूर करती हूँ। ये मेरी आदत है क्योंकि मुझे पता है एक कमेंट की उनके लिए क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैं कमेंट ज़रूर करती हूँ। तो मैं कमेंट करने वाली थी तभी मैंने देखा कि एक कमेंट था वहाँ पे। पहले से कमेंट तो बहुत सारे थे लेकिन ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में शो हो रहा था तो उसमें दो तीन लाइनें लिखी हुई थी। तो मेरी नज़र ना इस टाइप के कमेंट पर चली जाती है कि भाई क्या लिखा हुआ है इन्होंने भी ज़रा, मतलब मैं देख लेती हूँ। तो जो कमेंट था उसमें क्या था कि उन्होंने लिखा हुआ था अपनी जो दिक्कत थी वो शेयर कर रखी थी जो उनकी यूट्यूबर थी उनसे। उन्होंने लिखा कि हाय दी, मेरी फ्रेंड को एक प्रॉब्लम है। जो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है उसको एक बीमारी हो गई है और उसके जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसको बोला है कि इंटरकोर्स करें तो उससे वो ठीक हो जाएगा। तो जो मेरी फ्रेंड है इस टाइम वो करने के लिए तो तैयार है लेकिन उसको ये दिमाग में आ रहा है कि उसको बाद में चल के कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो यार मतलब ना ये जो मैंने कमेंट पढ़ा तो मैं उसे समझ गई थी, मैंने अंदाज़ा लगा लिया ये कोई टीनेजर है और ये कोई अपनी फ्रेंड की बात नहीं करी, वो खुद ही है। मैंने अधिकतर देखा है जो टीनेजर्स होते हैं अपनी प्रॉब्लम अपनी फ्रेंड के नाम से शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो टीनेजर थी लेकिन कमेंट पढ़ के मुझे इस चीज़ का मतलब एहसास हुआ कि जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको कितनी आधी अधूरी नॉलेज होती है, या मैं कहूँ उनको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में आई थिंक उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है। जो वो इस बात के चक्कर में आ रहे हैं कि डॉक्टर ने उसके बॉयफ्रेंड को बोला है कि भाई इंटरकोर्स करे तो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है कि जो डॉक्टर है वो बोले मेल को कि जाओ भाई आप जाके इंटरकोर्स करो, आपके लिए ज़रूरी है। एंड यहाँ पर मैं एक बात कहूँ आपसे, अगर ऐसी कोई दिक्कत डॉक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई इनका इंटरकोर्स करना ज़रूरी है तो उसकी फैमिली वाले खुद उसकी शादी कराएंगे सबसे पहले कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसी दिक्कत बताई है हमारे बच्चे को तो हमें तो भाई शादी करानी पड़ेगी अब इसकी, डॉक्टर ने कहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो लड़की यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ बन रही थी क्योंकि इतना दिमाग उसको लगाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं यही कहूँगी ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती है जिसमें डॉक्टर खुद कहेगा कि आप इंटरकोर्स करो तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आपको पता है इसकी मेन जड़ क्या होती है कि जो आदमी होते हैं वो ऐसी जो कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं उनको बेवकूफ़ बना देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस चीज़ के बारे में उन्हें पूरी नॉलेज होती ही नहीं है। टीनेजर्स को उन्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो किसी से पूछते भी नहीं है, पूछेंगे भी तो किससे, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी उन्हीं की एज के होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये एडवाइस करूँगी जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को इस बारे में फुल नॉलेज देनी चाहिए। आपके बच्चे कहीं और से उल्टी सीधी चीज़ें सीख रहे हैं या आधी अधूरी बातें सीख रहे हैं उससे अच्छा है कि आप ही स्टेप लें, आप ही इस चीज़ के बारे में उनसे ओपनली बात करें। और पता है इस चीज़ का क्या इम्प्रेशन पड़ेगा इन फ्यूचर, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत लग रही है, कुछ पूछना है तो वो आपसे आके इजीली पूछ पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप पहले ही उनसे इस बात को डिस्कस कर चुके हैं तो उन्हें कुछ क्वेश्चन रह जाता है उनका, तो वो आपसे पूछने में कंफर्टेबल फील करेंगे कि भाई उन्होंने तब भी डिस्कस किया था, अब भी वो हमारी बात को समझेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके बीच में इस तरह की पेरेंट्स के बीच में बच्चों के बीच में इस तरह की बातें नहीं होती तो वो आपसे शेयर नहीं करते कभी भी, उनके मन में कितने भी डाउट्स होंगे वो आपसे शेयर ही नहीं करेंगे। जैसे ये जो कॉमेंट है इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, उन्होंने अपनी फेवरेट यूट्यूबर को मैसेज किया कि दी मुझे ये प्रॉब्लम है ये है, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी और से शेयर किया है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया होता तो उनको जवाब मिल गया होता, उन्होंने नहीं शेयर किया। ऐसी कंडीशन में ना आदमी
अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता। तो ये चीज़ पता है क्या होती है, अगर पेरेंट्स शुरू से ही इनिशिएटिव ले अपने आप ही इस टॉपिक पे, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में बात करना शुरू करें, बच्चों को समझाएं कि किस एज में क्या सही रहता है और ये जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं इनका क्या फंक्शन है, क्या चीज़ कैसे होती है, आप अगर खुल के इस बारे में बात करेंगे अपने बच्चों से तो वो फ्यूचर में या उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो सही राह पे चलेंगे, वो उन्हें पता होगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। पेरेंट्स को ये चीज़ भी समझानी चाहिए अपने बच्चों को कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, जब आपकी स्टडी की उम्र है तब आपको स्टडी करनी चाहिए, और पता है जब आपकी शादी की उम्र आती है सिर्फ आपके पेरेंट्स ही नहीं, जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं ना वो भी फोर्स करने लगते हैं कि भाई इसकी इतनी एज हो गई अब तो इसकी शादी करवा दो, भाई अब इसकी इतनी एज हो गई इसकी शादी करवा दो, तो ऐसे ही एक एज शादी की भी हो जाती है। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है, ये पेरेंट्स को अच्छे से समझाना चाहिए। एंड आई होप ये वीडियो टीनेजर गर्ल्स के लिए और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रही होगी, उन्हें समझ आया होगा कि उनके बच्चे किस हद तक मिसगाइड हो सकते हैं अगर उन्होंने सही नॉलेज नहीं दी अपने बच्चों को। तो उन्हें अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए, समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि क्या होती है रियलिटी में, क्या चीज़ कैसे होती है रियलिटी में। अगर आप नहीं समझाओगे तो आपके बच्चे बिल्कुल मिसगाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। मानती हूँ मैं स्कूलों में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन स्कूलों में अलग बात है, जब तक पेरेंट्स उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा अपने पेरेंट्स के साथ। कोई भी उसे दिक्कत आए कि वो कंफर्टेबली आपसे शेयर ही नहीं करेगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा, वो किसी ना किसी गलत चीज़ में फंस ही जाएगा। एंड हाँ, अगर आप उसको सही है इससे सब कुछ बताने लगते हैं बच्चे को तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, बहुत इजीली जो उसकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना इस टाइप के उनको बहुत जल्दी ओवरकम कर जाता है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।